नमस्कार दोस्तों, मैं विजय कसाणा डिजिटल फ्री शिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एचटेट एग्जाम के बीच में पंचायत चुनाव आने के कारण अब एचटेट एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। बड़ी खबर आई है, चेयरमैन साहब का नया बयान भी आपको दिखाएंगे, नई एग्जाम डेट क्या हो सकती है, तो इसके बारे में साथ ही इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हरियाणा की सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड जानकारी सबसे पहले हमारे चैनल पर प्रोवाइड करवाई जाती हैं और इस चैनल पर बिना किसी एडवर्टाइजमेंट के वीडियो आपके सामने रखा जाता है या जो भी खबर होती है वो आप तक पहुँचाई जाती है। तो चलिए साथियों, अब देख लेते हैं कि आज की बड़ी खबर क्या है एचटेट एग्जाम को लेकर। ये देखिए साथियों, पंचायत चुनावों के दूसरे चरण के कारण 12 व 13 नवंबर को नहीं होगा एचटेट, यानी कि दूसरे चरण के जो पंचायत चुनाव हैं उनके कारण जो एचटेट का एग्जाम 12 और 13 नवंबर को लिया जाना था वो एचटेट का एग्जाम नहीं होगा। पूरी खबर देख लेते हैं साथियों। देश में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से एचटेट के लिए निर्धारित की गई तारीखों में बदलाव किया जाएगा। बोर्ड ने 12 व 13 नवंबर को एचटेट कराने के लिए समय निर्धारित किया था। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा 12 नवंबर को दूसरे चरण के 9 जिलों की चुनाव की घोषणा 14 अक्टूबर को की थी, जिसके वजह से एचटेट और पंचायत चुनाव की तारीखों में क्लेश आ गया। हालांकि बोर्ड ने एचटेट की परीक्षा पहले से तय की हुई थी, लेकिन साथ ही उसके बाद चुनाव आयोग की जैसे ही घोषणा हुई तो अब एचटेट का एग्जाम है। यानी कि देखिए, चुनावों की घोषणा के बाद अब बोर्ड इन तारीखों को एचटेट नहीं कराएगा। बोर्ड के चेयरमैन वीपी यादव, जो नए चेयरमैन बने हैं, उन्होंने बताया है कि अभी तीसरे चरण के चुनाव की घोषणा होना बाकी है, इसलिए उस घोषणा का समय देखकर ही एचटेट की नई तारीखों वो घोषित की जाएंगी। यानी कि साथियों, चेयरमैन साहब ने ये तो कन्फर्म कर दिया कि 12 और 13 नवंबर को आपका एचटेट का एग्ज़ाम नहीं होगा। अब नई एग्ज़ाम डेट के बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया है कि नई एग्ज़ाम डेट अभी अगर घोषित कर दी जाए, हो सकता है नेक्स्ट सप्ताह की घोषित कर दें, लेकिन उसमें साथियों तीसरे जो पंचायत चुनाव की तीसरे चरण की घोषणा है वो होना बाकी है, वो अगर फिर क्लेश कर जाए तो फिर पोस्टपोन करनी पड़ेगी। इसलिए क्यों ना जैसे ही पंचायत चुनावों की जो तीसरे चरण की घोषणा होती है उस दिन या उसके अगले दिन आपकी एचटेट की एग्ज़ाम डेट है वो आ जाएगी, यानी कि जल्दी ही आपका एचटेट एग्ज़ाम लिया जाएगा। साथियों, देर नहीं होगी, आप अपनी तैयारी जारी रखें, क्योंकि हो सकता है 12-13 नवंबर की जो डेट थी तो एक वीक बढ़ाकर नेक्स्ट जो सैटरडे और संडे को आपका एग्ज़ाम है वो ले लिया जाए, या फिर अब वो देखना होगा कि जो तीसरे चरण के पंचायत चुनाव हैं वो कब करवाए जाते हैं। तो इसके बारे में जैसे ही कोई और नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी वो भी तुरंत आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ऐसे ही सभी प्रकार की भर्तियों से रिलेटेड अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।